Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. बाला! तेंगशा बाला को इस तरह जिंदा और राम से लड़ता देखकर चकाचौंध रह गया था। इस समय तेंगशा का शरीर ठिटक गया। उसकी शक्ल बेहद उदास थी क्योंकि वो राम की आकृति को घूर रहा था। राम ने बाला को गर्दन से पकड़ा था। राम की आंखों में उस समय तेंगशा ने बाला की मौत देखी। बाला तो अमर था फिर भी, लेकिन तेंगशा का ध्यान अभी तक बाला के हाथों पर था, जो वो काली तलवार छोड़ ही नहीं रहा था। तेंगशा बोल उठा, बच्चे अगर तुमने बाला को जरा सी भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो निश्चित रूप से तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा होगा। तेंगशा चिल्लाया, भाड़ में जाओ, राम ने तेंगशा से कहा। राम की आंखें बहुत ठंडी थी। उसके हाथ ने अचानक अपना बल बढ़ा दिया। जैसे ही वो सख्ती से चिल्लाया, बाला का रंग बैगनी हो गया। जैसे ही तेंगशा ने राम को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, आसपास के भयानक कठपुतली पंथ सिपाही भी तेजी से उड़ गए, क्योंकि बाला उस वक्त राम के हाथों में था। किसी ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। तेंगशा की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे किसी खतरनाक भेड़िया की आंखें राम को घूर रही। हालांकि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और इसके बजाय उसने धीरे से कहा, राम, अगर तुम शून्य शक्ति हमें वापस दे दोगे और बाला को रिहा कर दोगे तो कठपुतली पंथ के नेता के रूप में मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। कोई तुमसे नहीं लड़ेगा। बकवास मत करो, मैं आजाद जीतकर ही होऊंगा, राम ने व्यंग किया। क्या तेंगशा ने सचमुच सोचा था कि क्या वो 3 साल का बच्चा था कि उसे इस तरह बहला फुसला सके? तेंगशा समझ गया कि इस दुश्मनी को शांतिपूर्वक हल करना संभव था, लेकिन राम के हाथों में जो प्रतीक था वो बहुत ही शक्तिशाली था। तेंगशा ने भले ही वादा किया था, लेकिन तेंगशा राम से वो प्रतीक लिए बिना जाने देने वालों में से नहीं था, वरना राम तो तेंगशा से भी ज्यादा शक्तिमान योद्धा बन जाता। तेंगशा की आंखें और भी ठंडी हो गई। तेंगशा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बहलाओगे और मैं बाला को छोड़ दूंगा? राम ने गुस्से से तेंगशा से कहा। अब तक बाला की सांसें लगभग धीमी पड़ गई थी, लेकिन वो बाला था, कोई आम योद्धा नहीं। बाला के लिए मरना लगभग असंभव था, इसीलिए इतनी कड़क पकड़ के बाद भी बाला मरा नहीं था। हालांकि वो स्ट्रगल जरूर कर रहा था। तेंगशा और राम के बीच में बातें चालू रही। ठीक है, मैं बाला का गला छोड़ दूंगा, पर तुम्हें अपनी काली तलवार मेरे हवाले करनी होगी, राम ने कहा। राम को वैसे तो काली तलवार के बारे में खास पता नहीं था, लेकिन उसका इंट्यूशन कह रहा था कि बाला और तेंगशा के हाथ में जो भी काली तलवार थी वही उनकी शक्तियों का कारण थी। उसे वैसे तो काली तलवार चोरी करने में रुचि नहीं थी, लेकिन वो अब बस बाला और तेंगशा को परेशान करना चाहता था। शायद तेंगशा काली तलवार दे भी देता तो राम उसका इस्तेमाल कभी ना करता, लेकिन ये बात राम ने किसी को नहीं कही थी। उसे तो बस एक हाथ से बाला का गला दबाने में और मुंह से तेंगशा के साथ चर्चा करते हुए उसे परेशान करने में ज्यादा मजा आ रहा था। इन सब के बीच राम बिल्कुल भी नहीं भूला था कि वो इस शून्य शक्ति या फिर काली तलवार के लिए नहीं, बल्कि निर्वाण शक्ति के लिए लड़ रहा था। बाला की छाती से निर्वाण शक्ति का गोला और कठपुतली गांव के नीचे निर्वाण शक्ति के खान उसे हासिल करनी थी। लेकिन जब राम ने काली तलवार वाली शर्त तेंगशा के सामने रखी तो स्वाभाविक है, तेंगशा की भौंहें तन गई। तेंगशा ने अपना हाथ लहराया और ये देखकर आसपास के कठपुतली पंथ के सिपाही बहुत सावधानी से पीछे हट गए। हालांकि उनकी निगाहें अभी भी राम के शरीर पर टिकी हुई थी, जो किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। राम ने तेंगशा को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि इस समय सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ ने छोटी आग को थपथपाया और छोटी आग ने अपने विशाल लाल पंखों को हिलाया और सावधानी से उड़ने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही छोटी आग पलटा, तेंगशा की आंखों में एक भयानक दृष्टि चमक उठी। उसका हाथ असाधारण रूप से जोरदार अपराजित शक्ति के रूप में बाहर निकला, जो तेजी से एक काली हड्डी के भाले में जा मिला। उसमें से बर्फीली हवा निकल रही थी और आवाज तो ऐसी हो रही थी मानो उसमें अनगिनत भूत विलाप कर रहे हो। जिस क्षण हड्डी का भाला बना, तेंगशा की बाहें अचानक झटका खा गई। फिर एक काली रोशनी अत्यधिक भयानक बल वाली हवा के साथ उड़ी। वो काली रोशनी आसमान को चीरते हुए बिजली की तेजी से राम की ओर चली गई। सच में तो बाला को भी उस हमले के दायरे में खींच लिया गया था। तेंगशा इतना शातिर था, अपनी काली तलवार बचाने के लिए उसने बाला की जान की भी परवाह नहीं की। ध्यान से, राम ने खुद से ही कहा। उसके एक हाथ में अभी तक बाला ही था। वो काली रोशनी बहुत तेज थी, लगभग पलक झपकते ही वो राम के पीछे पड़ने लगी। अचानक ही हरी एक्टिव हो गया। जैसे ही वो काली रोशनी राम के पास आने लगी,
हरी में से बैगनी रोशनी निकली, फिर राम की पीठ के पीछे एक गहरे बैगनी रंग की चमकती ढाल में बदल गई। इस बीच चमकती ढाल पर तेंगशा की फेंकी हुई काली रोशनी की ऊर्जा तेजी से भंवर की तरह घूमने लगी और फिर हुआ एक जबरदस्त ब्लास्ट। तुरंत एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा शॉक वेव तेजी से मध्य हवा में फूट पड़ी। भले ही वो चमकती ढाल काफी शक्तिशाली थी और तेंगशा आखिरकार एक अप्रतिम पाइट योद्धा था ही, उसकी काली रोशनी से उस बैगनी ढाल में भी एक बेहद मोटी दरार पड़ गई। अभी हरी के लिए भी तेंगशा का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो गया था, इसलिए वो चमकती ढाल केवल एक पल के लिए ही टिकी रही। इससे पहले कि धीरे धीरे उसकी सतह पर दरारें उभर आई, तभी अचानक वो तेज धमाके के साथ फट गई। लेकिन शुक्र है वो चमकती ढाल की वजह से राम को कुछ समय मिल गया। तुरंत उसने अपने शरीर के अंदर अपराजित शक्ति को बढ़ाया, कांच जैसा रंग तुरंत उसकी त्वचा पर फैल गया, उसका शरीर फूलकर उसके आकार से दोगुना हो गया। धीरे धीरे प्राचीन राक्षसी वानर की विशाल मायावी छाया राम के शरीर पर उभरी। राम एक राक्षसी योद्धा में बदल गया था। उसने एक हाथ से बाला की गर्दन अभी तक पकड़ी हुई थी। बाला मरने का नाम ही नहीं ले रहा था और राम उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तेंगशा राम का यह रूप आंखें फाड़कर देखने लगा। क्या चल रहा था ये? कितनी और शक्तियां थी राम में? तेंगशा की वो काली रोशनी तो चमकती ढाल को भेद कर निकल गई, लेकिन राम नहीं जानता था कि वो काली रोशनी सिर्फ राम के लिए ही नहीं थी। उसका प्राथमिक लक्ष्य राम नहीं बल्कि बाला था। उस काली रोशनी में एक बेहद प्रचंड शक्तिशाली हवा थी। वो हवा किसी राक्षसी हवा से कम न थी। उस हवा ने एक तीर का रूप बना लिया और फिर वो तीर एक खूनी निशान के साथ राम के दिल की ओर उड़ने लगा। वो तीर राम के सीने पर बुरी तरह से मारा गया था, लेकिन राम के राक्षसी शरीर को तो कुछ ना हुआ, लेकिन उस तीर से राम के कपड़ों के चीथड़े हो गए। राम के कपड़े टुकड़े टुकड़े होने से पहले एक ध्वनि गूंज उठी। फिर वो हुआ जो राम ने सोचा भी नहीं था। वो तीर राम की छाती में गहराई तक घुस गया। राम की छाती से ताजा खून बहने लगा। राम का खून भले ही निकला हो, लेकिन वो तीर राम का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अपने शरीर को झटका देने से पहले राम का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। अपराजित शक्ति की एक लहर ने तुरंत राम की छाती पर फंसे उस तीर को तोड़ दिया। तभी उसकी छाती पर एक भयानक घाव उभर आया था। तेंगशा के पिछले हमले में उसकी जान लगभग चली गई थी। शुक्र है कि राम ने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए राक्षसी परिवर्तन का इस्तेमाल किया था, वरना शायद उस तीर से सच में वो बच नहीं पाता। तेंगशा वास्तव में शातिर, वो अपनी तलवार को कभी मेरे हाथ लगने नहीं देगा, राम ने मन ही मन सोचा। तेंगशा अपने हमले से बहुत खुश था। तेंगशा पहले से ही इतना शक्तिशाली था, पर अब वो बाला के साथ रहते हुए षड्यंत्रकारी भी हो गया था। अचानक ही बादल गरजने लगे और सबका ध्यान आसमान की ओर गया। फिर उन्हें पता चला कि बादल नहीं बल्कि छोटी आग गरज रहा था। छोटी आग को पता चला था कि राम घायल हुआ था, इस वजह से छोटी आग ने क्रोधित दहाड़ जारी की। जैसे ही वो तेंगशा पर हमला करने वाला था, राम जल्दी से चिल्लाया, छोटी आग मत करो, भाग जाओ। जब उसने उसके शब्द सुने तो छोटी आग अनिच्छा से दहाड़ने लगा, लेकिन राम का कहना वो टाल नहीं सकता था। राम तुरंत ही बाला को लेकर छोटी आग के ऊपर बैठ गया। छोटी आग ने तुरंत ही अपने पंख फैलाए और एक काली बुरी आकृति में बदल गया और फिर वो तेजी से काराकोरम पर्वत की उस गुफा की ओर जाने लगा। उसे पकड़ो, तेंगशा ने अपना ध्यान अब छोटी आग पर लगाया, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले अगर राम ने उसे रोका नहीं होता तो छोटी आग ने ही तेंगशा को चकनाचूर कर दिया होता। जब उन्होंने देखा कि राम भाग रहा है तो भयानक कठपुतली पंथ के सिपाही जो पहले से ही प्रतीक्षा में बैठे थे तुरंत आगे बढ़े। हालांकि जैसे ही वो राम को रोकने के लिए तैयार हुए, राम की आंखें चमक उठी। उसने बाला पर नजर डाली जो उसके हाथों में था। फिलहाल वो खून से लथपथ था और किसी को नहीं पता था कि वो मर चुका है या जिंदा है। हालांकि तेंगशा के पिछले हमले ने राम को लगभग मार ही डाला था, लेकिन इसने बाला को जीवन और मृत्यु की सीमा पर लाकर खड़ा किया था। अभी राम ने वो किया जो देखकर तेंगशा सर से पैर तक कांप गया। बाला के हाथ से राम ने वो काली तलवार अपने हाथ में ले ली। नहीं, तेंगशा चिल्लाया। अभी बाला पहले ही अपना सारा मूल्य खो चुका था। राम इतना शातिर था, अगर वो बाला को अपने पास रखता तो वो बोझ बन जाता, इसीलिए राम ने सीधे तौर पर उसे रेत का थैला ही माना, जिसके जरिए अब वो कठपुतली सिपाहियों को भी मार रहा था। फिर सिपाहियों को ब्लॉक करने के लिए राम ने बाला के शरीर को उन पर फेंका, फिर एक हाथ में काली तलवार और दूसरा हाथ
छोटी आग के ऊपर रख राम ने कहा, उड़ो छोटी आग। जब सिपाहियों ने खून से लथपथ बाला को देखा जिसे राम ने उनकी ओर उछाला था, कठपुतली सिपाही स्तब्ध रह गए और वो एक पल के लिए झिझक गए। आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर गिरकर मरने नहीं देने का फैसला किया, आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। आखिर वो उनका सरदार था। जैसे ही उन्होंने बाला को पकड़ा, छोटी आग बेहद चतुराई से बिजली की तेजी से उनके पास से निकल गया। फिर उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी और तेजी से रहस्यमय काराकोरम पर्वत के गहरे क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। उसका पीछा करो, तेंक्षा के नाक के नीचे से वो लोग इस तरह बचकर नहीं भाग सकते। मेरी काली तलवार, तेंक्षा चिल्लाया। जैसे ही छोटी आग आगे बढ़ा, तेंक्षा एक धुंधली आकृति में बदल गया। उसके पीछे भयानक कठपुतली पंथ के सिपाही तेजी से जाने लगे। सरकार, बाला सरकार का क्या करना है? जब उन्होंने तेंक्षा को पास से गुजरते देखा तो सिपाहियों ने चीख कर उसकी मदद मांगने की कोशिश की। उसकी अभी भी आधी सांस बाकी है। फेंक दो उसे कहीं, किसी और को उसकी देखभाल करने दो और तुम लोग तुरंत उस राम का पीछा करो। हमें उसे काली तलवार और शून्य शक्ति लेकर भागने नहीं देना चाहिए। बेरुखी से बोलने से पहले तेंक्षा उस खून से लथपथ बाला पर एक नजर डाली। तेंक्षा का पिछला हमला बेहद क्रूर था। तेंक्षा अपनी किस्मत पर बाला के भाग्य को दांव पर लगाने को तैयार था, यह साबित करने कि वो सच में एक शातिर और निर्दयी व्यक्ति था, शायद बाला से भी ज्यादा। जवाब सुनने के बाद सिपाहियों ने तुरंत बेहोश बाला को एक भयानक कठपुतली पंथ के शिष्य को सौंप दिया। फिर वो तेंक्षा के पीछे चले गए और क्षितिज के पार चमकते हुए राम का पीछा करने लगे। जल्दी उनका पीछा करो, तेंक्षा गर्जा। तेंक्षा खुद नहीं गया, क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि कठपुतलियों की सेना और राम दोनों ही काफी कुशल थे, इसलिए उन्हें आपस में लड़ने देना ही सबसे अच्छा था। फिर वो शायद उनकी लड़ाई में राम से तलवार छीन सकता था। सिपाही राम के पीछे पूर्व दिशा में गए। भयानक कठपुतली शहर के बाहर धरती को चकनाचूर कर देने वाली हवा की आवाज तुरंत गूंज उठी, क्योंकि कई आकृतियां चींटियों के झुंड की तरह बह निकली थी। राम जिस ओर गया था उस ओर इस हवा की वजह से सिपाहियों की आंखें चलने लगी। वर्तमान स्थिति काफी गंभीर थी। कठपुतली के सिपाही काली तलवार को छीन पाए ऐसा लग नहीं रहा था। तेंक्षा भी छीन पाएगा या नहीं उसे भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करेगा तेंक्षा? क्या वो राम को मार डालेगा या फिर राम ही असली हकदार बनेगा उस काली तलवार और शून्य शक्ति का? क्या राम जानबूझ के भाग रहा था? क्या इरादा था राम का? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।